हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेबू की टेक। तो जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आजकल के जो न्यू फोन आ रहे हैं उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग में जो सायरन बजता है उसे कैसे आप स्टॉप कर सकते हैं, यानी जो अलाउंस होता है कि ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट, रिकॉर्डिंग स्टॉप, इसे आप कैसे बंद कर सकते हैं। यानी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत, बहुत से लोगों को ये अच्छा भी लगा, यानी पसंद भी आया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी अपने पर्सनल की जैसे बात करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं लेकिन उनकी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है लेकिन तब भी ऐसे किसी की जैसे अननोन नंबर से कॉल आ गई तो उसे हम जो लोग जैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बावजूद जैसे आजकल के न्यू, पहले तो मॉल में था, जैसे हम रिकॉर्डिंग ऑन की तो कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल के जो न्यू फोन आ रहे हैं मार्केट में, जैसे किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का, वीवो, ओप्पो, आईपीएल, ओप्पो, एप्पल, चाहे जो भी कंपनी का, सब में आजकल की जो गूगल का कीबोर्ड आ रहा है, गूगल का डायलर आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, जो न्यू अभी फोन आप जो जिस लोगों ने लिया है उनको पता ही होगा कि गूगल का डायलर आ रहा है, उसमें जैसे ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तुरंत वैसे ही आपका साइरन बजता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट, इंग्लिश में बोलता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लेकिन इससे आप, बहुत से लोग इसे जैसे बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने, जो आप जिसे आप बात कर रहे हैं उस बंदे को भी पता चल जाता है कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। तो गाइस, इसे कैसे बंद कर सकते हैं इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, इसके लिए हमें एक मोबाइल से, तो आप इसे आप मोबाइल से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल में कोई ऐसा फीचर अवेलेबल ही नहीं है, या इससे कोई मोबाइल में ऐसा कोई फीचर ही नहीं दिया गया जिससे आप इस अलाउंस को बंद कर सके। तो इसे हमें एक थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन यूज करना होगा इससे बंद करने के लिए, जो कि सेव है और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका नाम है TTS Lex, इसका नाम है, ये जो प्ले स्टोर पर हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, फिर वहीं से आपको बताएंगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करें और इसकी सेटिंग को कैसे करें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, स्क्रीन पर आगे की जानकारी आपको वहीं से देंगे। तो कहीं अगर जो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सेबू की टेक को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, अगर जो आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, आगे की जानकारी वहीं से मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि गाइस, अब चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कॉल लगा के कि इस पर रिकॉर्डिंग, सॉरी, वो अलाउंस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले चलिए हम किसी भी एक नंबर पे फोन लगाते हैं। अपने नंबर पे फोन लगा रहा हूँ, एक नंबर पे वेलकम टू जियो, ये लग गया, जैसे मैंने कंपनी के नंबर पे लगाया। फिर यहाँ देखो, जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, आपका वर्तमान डेटा बैलेंस, इसे चलो बंद करता हूँ। जैसे ये मैंने रिकॉर्डिंग लगाई, आप लोग सुन सकते हैं, ये तुरंत जैसे स्टॉप करेंगे इसे, ये बंद हो जाएगा। आप लोग सुन लीजिए पहले, फिर से एक बार मैं चेक करा रहा हूँ, ये चालू हुआ, फिर मैंने इसे बंद किया। ये ऐसे अलाउंस करता है, बंद कैसे करें? इसमें कोई मोबाइल में कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं, यानी कि ऐसी कोई सेटिंग नहीं जिसे मोबाइल से ही बंद कर दे। इसे इसके बंद करने के लिए हमें एक अदर प्लेयर का, एक थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमें प्ले स्टोर पर मिलेगा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जो बिल्कुल सेफ है। तो चलिए हम सबसे पहले वो आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो आगे हम अपने प्ले स्टोर में, फिर आपको यहाँ पे सर्च करना है TT, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है TTS Lex, ये लिखा हुआ है, यही आपको ये एप्लीकेशन है, ये इंस्टॉल कर लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये 210 KB का छोटा सा एप्लीकेशन, और इसे 1 मिलियन यानी 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, और इसका रिव्यू 4.1 स्टार है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, हमने इंस्टॉलिंग पे लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं ये भी इंस्टॉल हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड हो गया। फिर इसे हम डाउनलोड यहीं से आप डायरेक्ट हम खोल लेते हैं, ऐसे हमने इसे खोल लिया। फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोगों को मैं बता दूँ, जो जिनके पास Vivo V23 है उनके लिए सेटिंग है तो ये सभी के लिए, लेकिन फिलहाल ये उन्हीं, सॉरी, ये सभी के लिए सेटिंग है, Vivo V23 के लिए सिर्फ नहीं, ये जितने भी मोबाइल जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं जिनमें गूगल का डायलर है, ये उन सभी के लिए। सब यहाँ आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग का, आपको इस पर इस तरह से क्लिक करना है, सॉरी इस पर नहीं, यहाँ आप लोगों को इस पर इस तरह से क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख, दो
ऑप्शन दिख रहे होंगे, स्पीच सर्विस बाय गूगल, अगर जो आपका इसे रिकॉर्डिंग रखना है तो इसी पे लगा रहना दीजिए। अगर जो आपको रिकॉर्डिंग में जैसे सायरन नहीं चाहिए, नहीं बजे वो बंद करना चाहते, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा TTL X, इस पर इस तरह से क्लिक करने के बाद हम इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, हमने ले लिया, और इसे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको चलिए एक बार मैं अपनी सेटिंग से भी बता देता हूँ, जैसे बहुत से लोगों में ये ऑप्शन डायरेक्ट नहीं आता है। तो चलिए मैं सबसे पहले अपनी सेटिंग में चलता हूँ, ये मैंने अपनी सेटिंग खोल ली। फिर आपको यहाँ पे जाना है, सिस्टम एंड लैंग्वेज में जाना है आपको यहाँ पे। यह सिस्टम का ऑप्शन है, इसे मिले सिस्टम का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर इस तरह से क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐसे सिस्टम लैंग्वेज एंड इनपुट का एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इस तरह से आपको क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस, यानी सबसे पहले नंबर पे लैंग्वेज रेजिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन हो गया। फिर इसके बाद आपको फोर नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस, यहाँ इस पर इस तरह से आपको क्लिक करना। फिर आपको सबसे नीचे चले जाना है, टेस्ट टू स्पीच का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टेस्ट टू स्पीच आउट, इस पर इस तरह से क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे आने के बाद वही सारा सेम आ गया जो वही डायरेक्ट आपको दिखा था। फिर आपको यहाँ पे एक आप यहाँ पे फिर वैसे वैसे ही करना है, पर्सनल इंजिन, ये इस पर इस तरह से क्लिक करना है, ये जो कि हमने अपने TTS लेक्स पे लगा के रखा है, ये ऑलरेडी लगा हुआ। तो चलिए अब हम सबसे पहले आपको, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने डायलर में जाना, जो कि आपका गूगल का डायलर जो भी है, उसे इस तरह से करके एप इन्फो में चला जाए, थोड़ी देर उस पर प्रेस करके एक इन्फो पे जाने, एप इन्फो के पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्टोरेज एंड चेस, आपको इस पर इस तरह से क्लिक करना है और इसका जो डाटा है सारा डाटा इसका क्लियर इस तरह से कर देना है। ओके पे क्लिक करना, आपका डाटा सारा क्लियर हो जाएगा। अब क्या होगा, जब भी आप कॉल किसी को कॉल लगाएंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं फिर एक नंबर ले लेता हूँ कॉल करने के लिए, फिर मैं कॉल कर दी जी। कॉल रिकॉर्डिंग हैज नाउ एंडेड। सिर्फ ये एक बार बोलेगा, अब नहीं बोलेगा ये, देखो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, सिर्फ एक बार बोलेगा ये, आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 600 और 45। अब जैसे कॉल स्टॉप करेंगे अब ये नहीं बोलेगा। फिर से मैं दिखा दूं आपको एक बार कॉल लगा के, आप लोग देख सकते हैं, ये कॉल लग गया। अब जैसे ही मैंने इस पर देखो क्लिक किया, कोई अलाउंस नहीं, कोई सायरन नहीं, और फिर स्टॉप पे किया, फिर स्टॉप हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ये देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट, आगे दिखाता हूँ मैं आप लोग को स्टॉप रिकॉर्डिंग, कोई साउंड अब नहीं होगा। चलिए कोई दूसरे नंबर पे लगा के दिखाता हूँ मैं आप लोग को, 199। जैसे इस पे गया, फिर आप यहाँ पे रिकॉर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर भी कोई सायरन अब नहीं आ रहा है। तो इसी तरह मोबाइल की सेटिंग देख सकते हैं, तो इसके लिए मोबाइल में कोई ऐसी सेटिंग नहीं है जिससे आप इसे बंद कर सके। तो गाइस अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से अभी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज की वीडियो बस इतना, फिर मिलते किसी और टॉपिक पे, तब तक बाय बाय। थोड़ी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसके बाद मत करना, वरना हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना, फिर मिलते किसी और टॉपिक पे, तब तक बाय बाय।